सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सीबीआई ने रिया, उनके भाई शौविक और सिद्धार्थ पिटानी से पूछताछ करी। इससे पहले रिया ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें बोली कि अब उन्हीं पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी एक बात पकड़ ली और फिर उस पर रिया को घेर लिया। श्वेता ने रिया के इंटरव्यू की एक क्लिप साझा करी, जिसमें रिया कहती हैं, खार में मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसे मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश कर रही थी। इसकी कीमत 72 लाख रुपए है। इस पर मैंने 50 लाख का लोन लिया है, सारे पेपर ईडी को दे दिए हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए देने हैं, 17,000 रुपए की मेरी हर महीने की ईएमआई है। पता नहीं अब मैं इसे कैसे भरूंगी। इस पर श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया की इस बात पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, आप इस बात से परेशान हैं कि आप 17,000 रुपए की ईएमआई का भुगतान कैसे करेंगी? कृपया मुझे यह बताएं कि आप भारत के सबसे महंगे वकील को कैसे भुगतान कर रही हैं। रिया ने अपना केस लड़ने के लिए मशहूर वकील सतीश मानशिंदे को हायर किया है। मानशिंदे वही वकील हैं जिन्होंने सलमान खान और संजय दत्त का केस लड़ा था। सतीश देश के जाने माने और महंगे वकीलों में से एक है।